नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आल ई मित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पीएम किसान पोर्टल से फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन उड़ चुका है और वहाँ पर आप किसी प्रकार के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर जिन भाइयों को अपना स्टेटस चेक करना था या जिन्हें अपना नया आवेदन करना था या जिन्हें आधार वेरिफिकेशन करना था वो नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने फोरम का स्टेटस देख सकते हैं काफी आसान तरीके से। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक नहीं दो तरीके बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ऑप्शन नहीं है और आप भी इसे काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका जो बेनिफिट स्टेटस है वो चेक कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये सर्विस सिर्फ राजस्थान वालों के लिए और बिहार वालों के लिए हैं। अगर आप अन्य राज्य से हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, फिर आप एंड में जाकर कहोगे कि यार आपने तो मुझे बेवकूफ बनाया। ये सिर्फ जो बता रहा हूं सिर्फ एक तो राजस्थान वालों के लिए और बिहार वालों के लिए हैं। अगर आप अन्य राज्य से हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं भी आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जाना है, सबसे पहले मैंने आपको एक वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं राजस्थान वालों के लिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि जन सूचना का पोर्टल है। इसका लिंक दोस्तों मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहां पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। दोस्तों यहां पर आने के बाद आपको सिंपली यहां पर जाना है स्वयं के आवेदन की स्थिति की सूचना प्राप्त करें और यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से एक नया इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों यहां पर आपको अगर राजस्थान से है तो आपको पता है कि जब आपने आवेदन किया था तो आपको एक यूनिक आईडी मिली होगी MSF के नाम से, वो आपको यहां पर एंटर कर देनी है और एंटर करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहां पर खोजे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आप खोजे वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पर जो स्टेटस है वो शो हो जाएगा कि आपके आवेदन में क्या कमी है, कहां तक पहुंचा, अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, पूरी जानकारी दोस्तों आपको यहां पर मिल जाएगी। अब दोस्तों ये तो हो गया राजस्थान वालों के लिए, अब मैं बताने वाला हूं बिहार वालों के लिए। तो दोस्तों बिहार वालों जरा ध्यान से देखिए ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों बिहार वालों को आना होगा इस वेबसाइट पर और इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो वहां पर जाकर इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता है कि आपके पास भी एक पंजीकरण संख्या होगी, वो आप सिंपली यहां पर डालोगे। दोस्तों पंजीकरण संख्या डालने के बाद आपको सिंपली यहां पर सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है और सर्च वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी आपके आवेदन फॉर्म की। दोस्तों अगर आप अन्य राज्य से हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम आपके लिए भी अलग से वेबसाइट लेकर आएंगे और जो आपकी वेबसाइट होगी वो फुल तरीके से काम करेगी। हालांकि इसकी रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आप पीएम किसान ऐप के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम।